मलाई पूरी बनाना सिखा रही हूँ। आपने पूरियाँ तो बहुत खाई होंगी बिल्कुल, लेकिन मलाई पूरी शायद नहीं खाई होगी। तो देखें ये हमारा, आप जब तक इसकी चाशनी तैयार करेंगे, एक कप पानी है चाशनी के लिए और ये चीनी है हमारे पास। मैं इसको बस एक कप पानी, एक कप पानी में हमारा तकरीबन 6 टेबल स्पून चीनी मिक्स करेंगी। हमें चाशनी जो है वो तार में ही चाहिए, चिपचिपी सी जैसे चाशनी चाहिए। और इसके साथ ही ये देखिए एक कप मैदा है, ये ज़ाफ़रान है जो कि बहुत ही कीमती चीज़ है, ये एक गिलास दूध है, ये गार्निश के लिए हमारे पास काजू और वॉलनट्स और ये बादाम है, ये हमारे पास मावा है, ये मावा मैं डालूँगी जब मैं इसका बैटर तैयार करूँगी, और ये वाला मावा जो है मैं दूध के लिए मलाई यूज़ करूँगी, और ये इलायची है 4 दाने, इसको मैंने ये देखिए इसके बीज अलग कर लिए, बीज अलग कर लिए, ये मैं इसको कूट के इसमें डालूँगी। ठीक है, एक कप दूध डाल दीजिए मेरा इसमें, ये इसमें मैंने, ठीक है, एक कप दूध। और ये देखें ये तकरीबन 1 प्याली मावा है, ये भी मैं इसमें ऐड करूँगी। सही, इसको हम मिक्स कर लेंगे इसके अंदर। और ये देखिए मैंने इलायची के जो ये दाने निकाले थे, ये जो इसके छिलके थे, ये मैं चाशनी में डाल दूँगी, और जो ये इसकी बीजें थी, ये बीजें इसकी, ये मैं इसमें दूध में डाल दूँगी। जब तक ये चाशनी तैयार होती है, और यहाँ पे हम इसका एक बहुत अच्छा सा बैटर बनाते हैं, इसमें ये तकरीबन समझे मलाई की टाइप का बन जाएगा, इसमें मैंने मावा भी पकाएंगे इसको जुमा, बस ये इतना पकाएंगे कि ये बिल्कुल एक तरह डबल टाइप का बन जाए। हाँ बिल्कुल, और ये चाशनी, जब तक ये चाशनी बन रही है और ये मावा बन रहा है, मैं आपको इसका बैटर तैयार करके दिखा दूँ। अच्छा ये देखिए ये जो ज़ाफ़रान है, जब ये बॉयल आने लगेगा ना हमारा, तो हम इस चाशनी में इसको डालेंगे। ठीक है, इसका बहुत ही मज़ेदार सा एक अरोमा होता है, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर होता है। ये तो हम पाकिस्तानियों का नसीब ही नहीं है, ज़ाफ़रान सोने के भाव मिलते हैं। बिल्कुल ठीक, जरा फ्लेम जो है वो लो कर लीजिए। जी बिल्कुल, इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे वरना ये दूध बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमें 1 चम्मच जो है वो चीनी ऐड कर दीजिए। हाँ, और यहाँ पे देखिए मैं इसका बैटर बनाने लगी हूँ। ये 1 कप मैदा है, ठीक है, और तकरीबन 1 कप ही मावा है। इसमें चीनी नहीं डालेंगे इस पूरी में, और मेरा जब ये बॉयल हो रहा है ना, तो इसमें हम ज़ाफ़रान ऐड कर दीजिए इसमें। जी ये देखिएगा, इसका इतना प्यारा सा कलर आ जाएगा इसमें, और टेस्ट और फ्लेवर भी बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल, और आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर चेंज होना शुरू। ये देखिए 1 कप दूध से हम इसको इतना फेटेंगे कि इसमें कोई लम्स ना हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करती जाऊँगी, और ये मैं इसका बैटर बना के आपको दिखाती हूँ। जी भी बस देखिए, ये मैंने दूध को अच्छी तरीके से पकाया, या आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होकर रबड़ी की शक्ल अख्तियार कर लेगा, और यहाँ पर ये शीरा भी रेडी है। देखिए शीरे का कलर देखिए, ये ज़ाफ़रान की वजह से माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया है। अब मैं इसकी फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसे उतार लूँगी, जब ये ठंडा होगा तो और भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं ये देखिए हमारा ये मेरा बैटर तैयार हो गया है। इसमें कोई चीनी वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, नहीं नहीं बस सिर्फ मावा डाला है। मावा था जी, हाँ बिल्कुल। और ये जो इसका बिल्कुल स्लो फ्लेम में हम इसे पकाएँगे। ठीक है जी, और यहाँ पे हमने ऑयल रख दिया फ्राई पैन में, अब जो मैंने इसको डाला। अब ये देखिए मैं इसको बस ऐसे ही इतना ही हमें डालना है, और बस स्लो फ्लेम रखना है हमें, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पके, और जितना बड़ा आपका फ्राई पैन है आप 2 डाल लें 3 डाल लें, जितना भी इसमें जाता है उस हिसाब से बस इसी तरह से हमें डालना है। ठीक है, जब ये ब्राउन होके ऊपर आएगा तो फिर हम इसको शीरे में ऐड करेंगे। ठीक हो, ये देखें व्यूअर्स, इसको मैंने इस प्लेट में निकाल लिया है, ताकि जब ये पूरियाँ पक जाएँ तो मैं इसमें इसको डिप कर दूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आया है मेरा। जी ये देखें, हाँ सॉफ्ट कलर आया है, येलो बिल्कुल सॉफ्ट। जी इसको हम बिल्कुल जब तक ये नीचे से नहीं ब्राउन हो जाता, हम इसे ना कोई चम्मच लगाएंगे ना टोंगे से पकड़ेंगे, कुछ भी नहीं है, खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा। आप देखें ये आस्ते आस्ते किनारों से कैसे ऊपर आ रहा है मेरा। ये पूरियाँ बहुत ही लजीज होती हैं, ये देखें इसमें कैसे, देखें इसने कैसे, ये देखें व्यूअर्स, पहले हमने इसको स्लो फ्लेम में रखा हुआ था, मैंने इसको अभी तकरीबन रेडी हो चुका है ये। हाँ, और इसको हमने बस फ्लेम बंद कर दिया। और ये देखिए ये किस तरह से खुद ब खुद ये ऊपर आ रहा है, और इसको मैं पलट जी
देखिए व्यूअर्स गोल्डन ब्राउन हो गया और मैं इसको इसी तरह गरम गरम शीरे में डिप कर रही हूँ। मैंने फ्लेम बंद कर दिया है। जितना मैंने बैटर बनाया था उसमें आप आराम से ये पूरियाँ जो हैं 10 से 12 पूरियाँ आराम से बनेंगी। और ये देखिए मैंने इसको शीरे में डिप किया है, ये शीरे में जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा दूध वाला और एक तरह की बिल्कुल आप वो जो हमने बीटर डाला था इसमें दूध के अंदर मलाई मावा वो जो है इसके अंदर वो हमने बीच में रखा है। और ये मलाई जैसी तैयार हो गई है रबड़ी की तरह बिल्कुल। आप देखें ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं, या आप खाइएगा बनाइएगा और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना है। ये देखें व्यूअर्स ये तैयार हो गया है और ये पूरा तैयार हो गया। और मैं इसमें ऊपर से शीरा भी थोड़ा ऐड कर रही हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं, ये ईद में आप ये नई रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए ये बहुत ही मज़ेदार सी ये डिश तैयार हुई है। देखें हम आपको टेस्ट करके बता रहे हैं कि ये कैसा बना है। बहुत ही मज़े का, इंशाल्लाह आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आएगा। कैसा लगा मेरा? बेहतरीन, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगा। बहुत ही नरम सा बना है। तो आज के लिए आपको पसंद आई होगी वीडियो और ज़रूर हमारे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और आगे शेयर कीजिएगा। जी जिस तरह से मेरा हमारे पास बार बार आ रहे थे जी, आप हमें हमारे पास आ रही हैं बहुत सारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।